हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वह स्टूडेंट्स के बारे में, वो स्टूडेंट के बारे में जिसको अभी तक लगता है कि यार कुछ भी तैयारी नहीं करी, जो दोस्तों अभी तक बहुत परेशान है अपने एग्ज़ाम को लेके, उसके पास इतना प्रेशर है कि वो सोच रहा है कि यार कैसे तैयारी करूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा, ऐसा टिप्स बताऊँगा जिस तरीके से दोस्तों आप स्टडी कर सकते हो लाइक अ प्ले बॉय। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों स्टडी ऐसे करनी है प्ले बॉय की तरह। और वो कैसे है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लिए, जो स्टूडेंट है जो अभी तक बहुत परेशान है, जिसको अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें। तो दोस्तों, आपके पास अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास लगभग 40 से 50 दिन है। तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि मेरे पास एक महीना है। दोस्तों, आपको इस तरीके से स्टडी करनी है, एक महीने पहले से दोस्तों आपको अभी से तैयारी करनी है प्ले बॉय की तरह। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल प्ले बॉय की तरह स्टडी कैसे करते हैं, लाइक अ एग्जांपल। जैसे दोस्तों, आपने अपने क्लास में देखा होगा कि एक स्टूडेंट होता है जो एकदम डरा हुआ होता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं एकदम टॉपर होते हैं, और कुछ स्टूडेंट आपके दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ भी स्टडी नहीं करते, पूरे दिन घूमते हैं, सुबह उठ के क्रिकेट भी खेलते हैं, पबजी भी खेलते हैं, और सारा काम करते हैं लेकिन स्टडी नहीं भी करते। उसके बावजूद भी दोस्तों उनके बहुत अच्छे से मार्क्स आते हैं। आप देखोगे तो कहेगा यार आप 70% लेके आए हो, आप उनको देख के चौंक जाते हो, सोचते हो यार अबे तू भी 70% लिया, अबे ये भी कैसे लिया है 70। तो दोस्तों, उसको कहते हैं प्ले बॉय स्टडी करना, मान के चलो कि उसको कहते हैं प्ले बॉय स्टडी करना। तो दोस्तों, इस तरह की स्टडी कैसे करते हैं, तो दोस्तों बस आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, प्ले बॉय की तरह स्टडी कैसे करें, कैसे ऐसे स्टडी करें कि आप 2 घंटे इसी पढ़ाई करो लेकिन आपके 70 से 80% आ जाए इफेक्टिवली स्टडी, स्मार्ट तरीके से स्टडी करने से। पहले दोस्तों, मैं अब बात करता हूँ कुछ स्टूडेंट की, जो उनकी प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, वो ये होती है कि वो अपना काम ना कल पे डिपेंड रहते हैं। जैसे वो कोई सोचते हैं कि अभी पढ़ाई करूँगा, पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ते पढ़ते अपना फ़ोन उठा लेते हैं, और फिर वो फ़ोन सोचते हैं कि चल फ़ोन चला लेता हूँ, फिर वो 5 मिनट फ़ोन चलाते हैं, उसको पता ही चलता है 5 से 1.5-2 घंटा कब हो जाता है, और फिर वो 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन चलाता है, उसके बाद उसका मन नहीं करता एग्ज़ाम का, फिर उसका स्टडी नहीं करता। तो दोस्तों, आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, वो है दोस्तों हमारा सेलफोन, हमारा टाइम स्पेंड, जैसे हम किस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे कैसे फ्रेंड सर्कल है, हमारा डेली रूटीन कैसा है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये चीज़ दोस्तों बहुत बड़ी मैटर करती है, इस चीज़ बहुत फ़र्क पड़ती है आपके एग्जामिनेशन पे, क्योंकि आपके पास तो 50 दिन है, आपके पास तो लिमिट टाइम है, क्योंकि ये जो 50 दिन बीत जाएंगे आपके, जब एग्ज़ाम आ जाएगा फिर आपके आप इससे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी पहली बात समझने वाली बात ये है कि आपको ना इन दिनों में एग्ज़ाम के सिर्फ आपको एक ये रणनीति बनानी है कि आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का यूज करना है एक लिमिट में, जैसे एक दिन में 1 घंटा या 2 घंटा। अगर आप स्टडी के लिए पर्पज़ के साथ यूज कर रहे हो तो यूट्यूब चला सकते हो अपने हिसाब से, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों फेसबुक व्हाट्सअप को मैं कहूँ तो 1 महीने तक तो छुओ मत। जी हाँ दोस्तों, ये मैं सही बता रहा हूँ कि 1 महीने तक इन सब चीज़ों को अगर आप नहीं छूते तो आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे अपनी स्टडी पे, और इनफैक्ट दोस्तों आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, सिर्फ अगर आप 2 से 3 घंटे की भी स्टडी करते हो ना तो आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। बस आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा और अपना काम जो आपको करना है वो करना है मंडे को मंडे। जैसे आज का अपने प्लान बनाया कि मुझे आज पढ़ाई करनी है, तो आज को अपना काम पूरा कंप्लीट कर लेना है, तभी जाके दोस्तों आपको अपना नाइट का डिनर करना है, तभी आपको रात को खाना है, तभी आपको सोना है। बस ये चीज़ है ना, ये छोटी सी बात आपको सोच लेनी है कि आज की रात में तभी सोऊंगा जब मैं आज का पूरा टारगेट कंप्लीट कर लूँगा, फिनिश कर लूँगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्ले बॉय की तरह कैसे स्टडी करें। दोस्तों, प्ले बॉय की स्टडी वो इस तरीके से स्टडी करता है कि उसका एक रूटीन होता है, उसके रूटीन में उसके ये होता है कि वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं दिन में कुछ भी करूं, दोस्तों के साथ कितना भी घूमूं, चाहे पबजी खेलूं, कुछ भी करूं, लेकिन मुझे पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, बिना पढ़ाई करके हम अच्छे से मार्क्स नहीं ला पाएंगे, बिना पढ़ाई करके या 1 घंटे की स्टडी करके हम मार्क्स तो ला जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इफेक्टिवली स्टडी करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जो प्ले बॉय स्टूडेंट होता है ना, वो सिर्फ 2 से 3 घंटे की स्टडी जो करता है वो लगातार करता है, उसका जो ओपन माइंड होता है, उसकी जो सोच होती है ना, वो खुली सोच होती है, वो अपना दिमाग दौड़ाता रहता है, वो पूरे दिन में भले ही पूरे दिन खेलता हो चाहे कुछ भी करता हो, लेकिन भाई स्टडी के टाइम पर वो सिर्फ स्टडी ही करता है। दोस्तों, ये है चीज़ सीखने वाली कि वो दुनिया में चाहे कुछ भी कर रहा हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसको कोई मैटर नहीं, वो एंजॉयमेंट भी खूब कर रहा है, लेकिन जब स्टडी करता है तो स्टडी करता है। तो दोस्तों, बस आपको ये चीज़ सीखनी है कि मुझे रोज़ पढ़ना है।
दोस्तों यही होती है प्लेबॉय की तरह स्टडी। जो स्टूडेंट पूरे दिन घूमता है, दोस्तों से बातचीत करने के बाद भी चश्मा खिलाता है, उसकी एक हैबिट ये होती है कि वो रात को पढ़ता है, कभी सुबह पढ़ता है, कभी दिन में, लेकिन एक दिन में पढ़ता ही पढ़ता है। तो दोस्तों अब आपको जो तैयारी करनी है उसमें बनाना है कि अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने एक प्लानिंग बना लो। अगर आप प्लानिंग नहीं फॉलो कर पाते हो, जैसे टाइम टेबल आपने बना लिया 6 घंटे का, तो वो आपके हिसाब से तो नहीं होगा, आप फॉलो तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है अभी तक पढ़ने की। तो अपने हिसाब से दोस्तों आपने 2 से 3 घंटे स्टडी करो। और बस दोस्तों बस लास्ट में ये है कि आपको ना जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं इससे ही तैयारी करो। दोस्तों ये जो 30 दिन से कि आपको स्टडी करनी है ना, इन 1 महीने में इसका दोस्तों 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 1-1 दिन दोस्तों मतलब इसके टाइम की वैल्यू है। आपको इस 3 दिन में, इस 30 दिन में इफेक्टिवली स्टडी करनी है, स्मार्ट तरीके से रोज़ पढ़ाई करनी है। रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, आपको रोज़ पढ़ाई करनी है और इस 5 साल के क्वेश्चन पेपर से ही तैयारी करनी है। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने आपके दोस्त ने एक साथ ट्यूशन पढ़ाया, तो आप अपने दोस्त से ले सकते हो नोट्स, उसे समझ सकते हो, इंटेलिजेंट दोस्त से पूछ सकते हो, ग्रुप स्टडी करके हेल्प ले सकते हो, ऑनलाइन से हेल्प ले सकते हो। लेकिन ये दोस्तों तभी होगा जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाओगे, जब आप फोन का यूज कम करोगे, अपने डेली रूटीन को थोड़ा चेंज करोगे, अपने आप में दोस्तों एक बदलाव लाओगे। जब तक दोस्तों आप चेंज नहीं करोगे अपने आप को, तब तक दोस्तों आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आप रोज स्टडी करो, लगातार रोज कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करो, तो दोस्तों आपके बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।